मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है आप सबका? होप करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, आई मैं बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। मेरा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, सेकंड सेमेस्टर, और आज मेरा फर्स्ट डे है। थोड़ी सी नर्वस भी और थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ। तो अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं 7:45 और दीदी मेरे को जा रही है टेम्पो स्टैंड छोड़ने। तो चलो गाइस आपसे मिलती हूँ सीधा फिर यूनिवर्सिटी पहुँच के। तो फाइनली गाइस मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई हूँ। मुझे एक ना कविता याद आई, आई नहीं वैसे, मैंने थोड़ी सी कुछ ऐड ऑन किया। बैठे बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम, अब बैठ के ही करो तुम दोस्तों का इंतज़ार। तो गाइस अभी मैंने की थी संजना को कॉल, संजना की पहले आई थी, फिर मैंने की वो आ रही है, बाकी वालों ने पता नहीं ऑन है नहीं ऑन है। विशेष का 99.9% है कि वो आएगी कि नहीं आएगी, शायद से हाँ वो बोर थी। मैं 99.9% में आऊँगी, बाकी का 1% जो है उसका कोई कच्चा पक्का ही है। तो चलो करते हैं वेट सबका इधर बैठ के। और अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं 9, और जैसा कि आपको पता है कि मैं सुबह 7:45 घर से निकली थी, और मैं पूरे 9 बजे, हाँ 9:10 पे पूरे यूनिवर्सिटी पहुँच गई हूँ। तो डर भी लग रहा है यार, न्यू सेमेस्टर है और पता नहीं कौन कौन आएगा पढ़ाने। आज तो मेरा वैसे भी फर्स्ट डे है, तो लेट्स सी। क्लास में जाते हैं, 9:30 हमारी क्लास स्टार्ट होगी, क्लास में जाते हैं, फिर देखते हैं आज का दिन कैसा रहा, फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारा आज का दिन कैसा रहा। वैसे तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट कोई नहीं, सांस ले लेती हूँ लंबी लंबी 3 बार। तो बी पॉजिटिव गाइस, जो भी होगा अच्छा होगा। तो लेट्स सी, चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, वेट करते हैं फिर अपने फ्रेंड्स का कि कब तक वो पहुंचेंगे सभी के सभी। एक विशाली आएगी, आई थिंक दीक्षा आएगी, विशेष आएगी और संजना। हाँ आज हम 5 हो जाएंगे, रिया आज भी छुट्टी पर है। रिया अगर व्लॉग देख रही है तो आ जा बहन यूनिवर्सिटी, अब तो आ जा। चल कोई नहीं, मंडे से आना। तो अब तो मेरा ऐसे भी ट्रैवल का ही ज़्यादा सीन हो रहा था, अब तो रोज़ अप डाउन हो रहा है घर से। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। मिलते हैं आपसे फिर क्लास अटेंड करने के बाद, बाय बाय। गाइस इंतज़ार करते करते थक गई, अब हो रहे हैं टाइम पता क्या हो रहा है, 9:25 हो रहा है, और देखो मैडम और आ रहे हैं आराम आराम से। यार हद होती है इतना वेट करो, देखना आ रहे हैं कितने आराम आराम से आ रहे हैं कोई के। ये देखो मैडम आराम आराम से मजे मजे से आ रहे हैं, कोई ये नहीं पता कि क्लास का टाइम है। देखो कितने आराम आराम से आ रहे हैं, जल्दी आओ टाइम हो गया है। और इधर मैं सुबह सुबह व्यू का मज़ा ले रही हूँ, तो आपको पता ही है पहले भी दिखाया है। चलो यार बाकी वालों ने पता नहीं कब आना है, अब हम चलते हैं क्लास को, देखते हैं कैसे रहता है पहला दिन हमारा। फाइनली गाइस मैं घर पे आ गई वापस। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी मेरा आज का डे कैसा रहा, आपको सच सच बता देती हूँ, बहुत ही बकवास एकदम घटिया रहा मेरा आज का डे। बट अभी डे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो आधा डे बाकी है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हर साल मेरी मासी और जो है वो क्या करते हैं, कटरा बस स्टैंड पे उन्होंने मूर्तियों की स्थापना की होती है, और मेरा मासी का बेटा जो है वो हर साल उस पूजना में बैठता है। तो आज है मूर्ति का विसर्जन, तो अभी हम जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन के लिए चिनाब रिवर, जिसको हम बारादरी बोलते हैं। तो देखो गाइस जा रहा कौन कौन है, मैं और आपका कैमरा शाही। तो चलो गाइस चलते हैं, बस हो गया ना गायब हो गई। हेलो गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, तानू ही दी ब्लॉग में दिखेगी, हम मेन तू ही दिखेगा। Thank you.
गाइस अभी हम आ गए हैं माता रानी की मूर्तियों का विसर्जन करके, हमने उनको कर दिया है विसर्जित। तो आज का व्लॉग जो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, होप कि आपको आज के व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ब्लॉग के साथ, तब तक बाय गाइस।